बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पावर सीरीज, टेलर सीरीज असल में हम पढ़ रहे हैं, और टेलर सीरीज के डिफरेंट हमने एग्जांपल्स जो है वो रीड आउट की हैं। अब हमारे पास जो एग्जांपल है वो बिल्कुल लास्ट एग्जांपल से रिलेटेड है, और अगर आपने मेरी लास्ट एग्जांपल्स नहीं देखी तो आप मेरे MTH61 की प्लेलिस्ट में जाकर टेंजेंट की पावर सीरीज को फाइंड करने का तरीका देखें, देन आप इसी एग्जांपल पर आएँ। और इससे पहले हमने एक फंक्शन की क्वेश्चन फॉर्म पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट या जो है वो आपके पास किस तरह से एक दूसरे के इक्वल होता है, जिसमें हमने कहा था कि क्वेश्चन फॉर्म में एफ ऑफ एक्स जो है वो एच ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है, और हमने प्रोडक्ट को उसकी पावर सीरीज को डिटेल से थोड़ा डिस्कस किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम उसकी तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपनी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है जी, एग्जांपल में है रेसिप्रोकल फाइंड करें पावर सीरीज का। पावर सीरीज आपके पास गिवन, कोई भी गिवन है, जैसे आपके पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई एक्स, तो आपने इन पावर सीरीज को रेसिप्रोकल करना है और इसको फाइंड करना है। करना किस तरह से है, स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन रूल जो हमने पावर सीरीज के लिए, टेलर सीरीज के लिए पढ़ा था, उससे रिलेटेड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देखें कि हम उस फॉर्म को लिखते किस तरह से हैं, फिर आप इस एग्जांपल को समझने के लिए आए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर में एक्स, 2 प्लस सीरीज है आपके पास एक्स की पावर में एन ओवर एन फैक्टोरियल एन 1 टू इन्फिनिटी है। इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ जो है वो आपकी बुक्स में, बुक में हैंड आउट पे थोड़ा स्टेप्स जो है वो स्टार्टिंग से मिसिंग है, जो मैंने नोट डाउन किए हैं। होप सो कि आपको थोड़ा समझ आ जाएगी अब कौन से पॉइंट्स मिसिंग हैं। उन्होंने डायरेक्ट जो है वो फॉर्म लिख दी है, मैंने थोड़ा इसको एक्सपेंड किया है ताकि आपके स्टेप्स को समझा जा सके। मैं आपको वो फॉर्म दिखा देती हूँ, हम फिर बैक आते हैं अपनी फॉर्म की तरफ। उन्होंने ये फॉर्म डायरेक्ट लिख दी है, और इस फॉर्म को डायरेक्ट लिखने से काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एच वन किस तरह से हो गया और ये फॉर्म किस तरह से आ गया। हम अपने इस फॉर्म को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं, ये फॉर्म हमारे पास आई किस तरह से है। चले हम हमारे पास फॉर्म पहले चेक कर लेते हैं, देन हम अगेन वापस अपनी एग्जांपल की तरफ ही आएंगे, और नेक्स्ट ऑनवर्ड एग्जांपल हम अपनी एग्जांपल के थ्रू करेंगे जो हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले आपके पास एक फॉर्म होती थी, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म में, हमने देखा था कि क्वेश्चन फॉर्म में आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एच ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स के। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, एच ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो उसी तरह से हमने ये एक, मैंने ये एग्जांपल लिखी है, आपके एग्जांपल क्या हो जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आप हैंडआउट्स पे अपने ओपन कर लें और साथ साथ नोट कर लें, अपने स्टेप्स ऐड करें ताकि पेपर की तैयारी करते हुए आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए मेरे पास ये फॉर्म है एच ऑफ एक्स अवर जी ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स जो है वो ए एन एक्स की पावर में एन है। अब हमने लेट कर लेना है एच ऑफ एक्स मेरे पास 1 है, क्योंकि हम सीरीज की एक्सपेंशन कर रहे हैं तो कोई चीज़ लेट करनी पड़ती है, सपोज कुछ करना पड़ता है ताकि हम अपने रिजल्ट की तरफ जा सके। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया एच वन है, देन जी ऑफ एक्स एज दट इज, देन ये आपके पास एफ ऑफ एक्स की फॉर्म। और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जी ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल है 1 प्लस ई की पावर में एक्स की। अब मैंने यहाँ पर जी ऑफ एक्स की रिप्लेसमेंट में 1 प्लस ई की पावर एक्स लिख दिया, देन ये वाली टर्म एज इट इज। अब ये 1 प्लस ई की पावर एक्स जब आपके पास राइट हैंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब 1 एज इट इज। अब ई ऑफ एक्स की एक्सपेंशन हम इससे पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, ई ऑफ एक्स की एक्सपेंशन हम टेलर सीरीज से किस तरह से निकालते हैं, तो आप वो एक्सपेंशन जाके देख लें, प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ई ऑफ एक्स की वैल्यू एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक जाती है। देन ए एन एक्स एन आपके पास एक सीरीज है, और सीरीज को आपको पता होगा, आपने स्टार्टिंग से अगर रियल एनालिसिस का कोर्स पढ़ा है तो सीरीज को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। सीरीज को एक्सपेंड करने का तरीका दोबारा से देख लेते हैं। एन 0 टू इन्फिनिटी है, तो आपके पास आप एन 0 पुट करें तो ए 0, और एक्स आपके पास यहाँ पर 0, एक्स भी यहाँ पर 0, 0 की पावर में 0,
सॉरी, आपके पास यहाँ पर एक्स वन अगर हो तो वन की पावर में जीरो, और वन की पावर में जीरो आपके पास वन ही होगा, तो आपके पास ए जीरो आ जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट टर्म, हमने एन जीरो टू इन्फिनिटी है, हम यहाँ पर एन वन पुट करेंगे। जब मैं यहाँ पर एन वन पुट करूंगी तो मेरे पास ए वन और एक्स की पावर में भी वन आ जाएगा, ये जो चीज मैंने लिखी। फिर मेरे पास एन टू पुट करूंगी, ए टू एक्स का स्क्वायर, फिर एन थ्री एन फोर अप टू सो ऑन, ये भी nth टर्म तक इसी तरह से सीरीज जाएंगी। अब देखें ये वन और ये वन आपके पास टू हो गया, प्लस एक्स के लिए आपके पास एक फॉर्म बनकर आ गई है। आपके हैंडआउट्स पे उन्होंने डायरेक्ट इसी तरह से लिख दिया है, उन्होंने ये फॉर्म करके नहीं बताई कि ये किस तरह से हुई है। अब अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आपके हैंडआउट्स का सोल्यूशन यहाँ से आई थिंक सो स्टार्ट होता है, तो मैंने ये सारा कर दिया। आप अपने ये पांच स्टेप जो है वो अपने हैंडआउट्स पे ऐड कर लिए, इस सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यही आपके पास जी ऑफ एक्स था, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू मैंने पुट की है, अब हमने इसको सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर किस तरह से आएगा, प्रूफ क्या चीज करनी है हम वो देखते हैं। देखें मैंने मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा मैंने एच वन लेट कर लिया है, एच वन लेट करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म, उन्होंने ये फॉर्म डायरेक्ट लिख दिए थी जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बताई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप टेंजेंट एक्स की अगर आपने एक्सपेंशन पढ़ी है तो आप फेमिलर होंगे कि हमने इसको क्या किया था। नेक्स्ट हमने क्या किया था कि हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन की, दरमियान में कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहा है, टू को ए नॉट से मल्टीप्लाई किया टू ए नॉट, फिर ए नॉट को एक्स से मल्टीप्लाई किया ए नॉट एक्स, ये ए नॉट और ये एक्स साथ में लगा। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप पहले सारी मल्टीप्लिकेशन एक और स्टेप यहाँ पर ऐड करके कर लें, फिर आप टर्म्स अलग-अलग कर लें, कोफिशिएंट ए नॉट के साथ कोई कोफी एक्स का कोफी टर्म नहीं है, आपने ए नॉट अलग कर लें, फिर एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लें, फिर एक्स के स्क्वायर वाली सारी इकट्ठी लिख लें। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन हुई भी है। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं समझ आती आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको मल्टीप्लीकेशन करके मेल कर दूंगी, ठीक है। अब देखें कि मैंने मल्टीप्लिकेशन कर ली है, मल्टीप्लिकेशन के बाद मैंने अपनी वैल्यूज को कंपेयर करना है, जैसे कि हमने टेंजेंट में कंपेयर की थी, टेंजेंट एक्स की एक्सपेंशन में कंपेयर की थी, सिमिलरली हम यहाँ पे भी अपनी वैल्यूज को कंपेयर करने लगे हैं। देखिए मेरे पास ए नॉट, यहाँ पर मेरे पास वन है, ए नॉट सिंपल जिसके साथ कोई कोफिशियंट नहीं है वो वन के इक्वल होगा, क्योंकि वन भी तो कांस्टेंट टर्म है, ए नॉट भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो टू ए नॉट मेरे पास वन के इक्वल। एक्स वाली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी ऐसे टर्म नहीं है जिसके साथ एक्स आ रहा है, तो ये मेरे पास एक्स वाले जो कोफिशियंट्स हैं ये मेरे पास जीरो के इक्वल हो जाएंगे। देन एक्स स्क्वायर वाले भी कोई भी नहीं है तो ये भी जीरो। देन आपके पास ऑनवर्ड एक्स क्यूब एक्स फोर जितनी टर्म्स आएंगी वो जीरो के इक्वल होंगी और हम यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। अब टू ए नॉट इक्वल टू टू है, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए नॉट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी वन ओवर टू। अब ये देखें ए नॉट की वैल्यू आ चुकी है, नेक्स्ट टर्म में हम ए नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए वन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम ए टू के अंदर अपनी ए टू के अंदर ए नॉट की वैल्यू ए इस वाली टर्म में ए नॉट पुट करेंगे, ए वन भी हमारे पास आ गया तो हमारे पास ए टू का आंसर आ जाएगा। देन हम ए थ्री फाइंड करना है तो ए टू भी हम फाइंड कर चुके हैं, ए वन भी फाइंड कर चुके हैं, ए टू भी फाइंड कर चुके हैं, तो ए थ्री की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने से आ गई होगी। आप एमएससी के या बीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वैल्यूज सॉल्व करनी अच्छे से आती होंगी, इसलिए मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो मेरे पास ए नॉट की वैल्यू भी आ गई, ए वन की वैल्यू भी आ गई है। ए वन की वैल्यू किस तरह से आई है, ए नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की वन माइनस वन ओवर टू। देखें किस तरह से टू ए वन, यहाँ पे आप मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाए। ए नॉट की वैल्यू मेरे पास है, हम यहाँ पे लिखते हैं टू ए वन, ठीक है। टू ए वन इज इक्वल टू, ये आपके पास प्लस ए नॉट है, इस साइड पर आएगा तो ये आपके पास माइनस ए नॉट हो जाएगा। अब मेरे पास ए नॉट की वैल्यू वन ओवर टू है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वन ओवर टू लिखने लगी हूँ, ठीक हो गया। अब वन ओवर टू मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, वन ओवर टू लिखने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा तो जब डिवाइड होगा तो ये माइनस वन ओवर फोर, तो मेरे पास ये वन का आंसर माइनस वन ओवर फोर आ गया। सिमिलर नेक्स्ट वैल्यूज भी आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेनी है, मैं सारी वैल्यूज एक्सप्लेन नहीं करी फिलहाल, बहुत ईजी है। आप अपने नोटबुक लें, हैंड आउट लें, सॉल्व करें और अच्छे से हो जाएंगी। अब मेरे पास वन ओवर वन प्लस ई एक्स की एक्सपेंशन हमने फाइंड करनी थी, तो मेरे पास देखिए ए नॉट का आंसर वन ओवर टू आया। मैंने लिखना किस तरह से है इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा जी, यही चीज हमने लिखनी थी, एक मिनट। देखें यही चीज मेरे पास आई थी ए नॉट
ए नॉट इक्वल टू वन, ए नॉट टू ए वन, मेरे पास ये वाली टर्म्स, ये सारी टर्म्स आ चुकी हैं। अब मैंने वैल्यूज को कंपेयर करना है और जो मेरे पास आंसर आए हैं वो पुट कर देने हैं मैंने। तो पुट किस तरह से करेंगे, इस वाली वैल्यूज के अंदर पुट करें आएंगे। पुट करने का तरीका आपके पास कैसे होगा जी, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले वैल्यू है मेरे साइड वन ओवर टू, देन मेरे पास ए वन के साथ एक्स की टर्म थी तो माइनस वन ओवर फोर और एक्स, ए टू के साथ मेरे पास एक्स का स्क्वेयर था तो ए टू का आंसर ही जीरो आया, तो मेरे पास यहाँ पे जीरो का स्क्वेयर होगा। फिर मेरे पास ए थ्री के साथ वन ओवर 48 आया है तो ए थ्री के साथ एक्स का क्यूब था तो एक्स का क्यूब ओवर 48। देन आपके पास एक टर्म प्लस में, ये माइनस में थी, फिर ये माइनस एक्स ओवर फोर, ये माइनस वन ओवर फोर था, यहाँ माइनस ओवर फोर एक्स क्यूब ओवर 48 अप टू सो ऑन, ये टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली है। होप सो आपको समझ आया होगा। हम अभी ही इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल भी क्लियर हो, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें एबल्स थ्योरम। तो इस एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी यहाँ ही कवर करते हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें भी हमने रेसिप्रोकल ही उसी तरह से फाइंड करना है। रेसिप्रोकल थोड़ा यहाँ पे भी बहुत डिफिकल्ट स्टेप हुआ हुआ है, आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है हम वो चेक कर लेते हैं। टू फाइंड द रेसिप्रोकल, आपने इस टर्म का रेसिप्रोकल फाइंड करना है उसी तरह से। अब हमें वो कहता है कि आपके पास जो एच ऑफ एक्स है, जो आपके पास h आपने 1 लेट कर लेना है बिल्कुल लास्ट टर्म की तरह, जैसे हमारे पास f of x किसके इक्वल था, f of x इक्वल था h of x over g of x के, h of x यहाँ पे भी हमने 1 लेट कर लेना है। जब आप 1 लेट कर लेंगे तो मेरे पास क्या टर्म बनकर आएगी, ये नेक्स्ट जो है वो ये अभी आपने नहीं देखना। अब मेरे पास देखें, मैं वैल्यूज लिखने लगी हूँ ताकि आपको समझ आ सके। देखें मेरे पास h of x 1 over जी ऑफ एक्स की, हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी ये वाली टर्म एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल, जो कि मेरे पास किसके इक्वल है, एग्जिट करते हैं इसको। अच्छा ये मेरे पास वन ओवर, ये सिंपल उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, वन ओवर ये वाली फॉर्म आएगी यहाँ पर, जो ये वाली फॉर्म है एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल, और ये यहाँ पर जाकर जो है वो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो जाएगी, किधर गया जी, ये वाली टर्म मेरे पास एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल आएगी इस जगह पे वन ओवर के साथ, और मेरे पास इक्वल होगा ए एन एक्स एन के, और जब ये डिनोमिनेटर जाके राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये टर्म इस तरह से आ जाएगी। फिर आपने उसी तरह लास्ट एग्जाम्पल की तरह इसकी इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर लेना है, और इसकी वैल्यूज को सॉल्व करने का तरीका ये मैंने साइड पे लिखा था, इसको भी कर लेते हैं जी। ये मैंने लिखा था वन, मेरे पास ए एन एक्स एन की वैल्यू ए नॉट एक्स का स्क्वेयर, ए नॉट एक्स, ए नॉट एक्स के स्क्वेयर ओवर टू फैक्टोरियल, उसके बाद आपके पास ए वन एक्स मल्टीप्लाई करने से बनेगा। इसको चेक कर लें पहले, इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि मेरे पास वैल्यूज किस तरह से आएंगी। देखें वन ओवर जी एफ एक्स जो मैंने आपको बताया, हमने इसको इस तरह से लिख लिया, फिर हमने इसकी एक्सपेंशन को सॉल्व किया है। एक्सपेंशन को सॉल्व करने के बाद देखें वन ओवर ये सारी वैल्यूज को हमने सॉल्व कर लिया, ए नॉट एक्स, ए नॉट एक्स का स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल ए वन एक्स, मैंने सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया है। फिर मैंने वैल्यूज को लास्ट एग्जाम्पल की तरह कंपेयर किया, ए नॉट मेरे पास वन के इक्वल आ गया, ए नॉट एक्स वाली टर्म्स को कंपेयर किया तो एक्स तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू वन आई है, वन प्लस ए वन एज इट इज, ए वन का आंसर मेरे पास माइनस वन आ गया। देन आपने एक्स के स्क्वायर वाली वैल्यूज को कंपेयर करना है तो एक्स के स्क्वायर में मेरे पास ये टर्म आ रही है, फिर मेरे पास ए वन एक्स का स्क्वायर आ रहा है, फिर मेरे पास ए टू एक्स का स्क्वायर, तो मैंने सारी एक्स के स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया। अब मैंने उसकी वैल्यूज पुट कर दी तो मेरे पास देखिए फर्स्ट के लिए ए नॉट के लिए वन आंसर, ए वन के लिए माइनस वन और ए टू के लिए माइनस वन ओवर टू आंसर आ गया। इसी तरह से आपने नेक्स्ट वैल्यूज भी फाइंड कर लेनी है, मतलब कि आपके पास ए थ्री ए फोर ए फाइव आप जितनी फाइंड करना चाहते हैं कर लें। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल सेम यही किया हुआ है, जो कि समझ ही नहीं आती यहाँ पर हुआ क्या है। अब देखें ये मैंने सॉल्व करके बताया, आप उसकी रिप्लेसमेंट में यहाँ से आप अपने साइड पर अपने हैंड आउट्स पे वो वाली टर्म लिख लें जो मैंने आपको ऊपर दिखाई है। अब देखें ये क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि सी एन, आपको पता था सी एन हमने पढ़ा था कम्बिनेशन एन सी आर इक्वेशन, जिसमें हमने कहा था कि सी एन हमारे पास ए आर ओवर एन माइनस आर के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अब वो कहता है सी, अगर मैं एन जीरो आर जीरो लेता हूँ, आर जीरो से एन है,
अगर मैं आर जीरो लेता हूँ और एन भी जीरो लेता हूँ तो मेरे पास सी जीरो एन जीरो यहाँ पे पुट करें, देन आर भी जीरो है, ए जीरो और जीरो माइनस जीरो का फैक्टोरियल देखें, मैं एन भी जीरो ले रही हूँ आर भी जीरो ले रही हूँ, तो देखें मेरे पास क्या टर्म आएगी, हम चेक कर लें, मेरे पास एन भी जीरो है आर भी जीरो है, सी जीरो हो जाएगा और वो इक्वल आएगा, आर भी जीरो है तो ए जीरो, और वो डिवाइड किसके साथ होगा, आपके पास ये ए है, अच्छा वो डिवाइड किसके साथ होगा, जीरो माइनस जीरो से, तो जीरो माइनस जीरो का फैक्टोरियल आपके पास वन होता है, तो जीरो का फैक्टोरियल, तो ये सी जीरो ए जीरो, आपके पास इसका आंसर क्या आ चुका है, वन आ चुका है। अब आपने आप कैलकुलेटर पे चेक चेक कर लें या आप अपने गूगल से चेक कर लें, जीरो फैक्टोरियल वन होता है। अब आपके पास अगर मैं वन टर्म लेती हूँ, टू टर्म लेती हूँ, एंथ टर्म लेती हूँ, तब मेरे पास सी एन का आंसर जीरो हो जाएगा। अभी मेरे पास पहली टर्म के लिए इसका आंसर वन आया, हैंस अभी हम वो कहता है कि हम इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, ए एन माइनस आर जीरो से एन माइनस वन या आर वन, सिंपल उसने का क्या किया है यहाँ पर, उसकी रिप्लेसमेंट की है, सी एन को ए एन से रिप्लेस किया है और उसने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस से। आप ना भी करें, आपको जो स्टेप्स मैंने लास्ट इक्वेशन में बताए हैं ये वाले सॉल्व करने के, आप ये सारे स्टेप्स लिखें और अपनी एग्जाम्पल को सॉल्व कर लें, ये कुछ इतना खास इसमें इतना बताया हुआ नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं कि अगर मैं इसकी इस तरह से इस टर्म को लिखूं ज्यादा, अब देखें अब मैंने डिफरेंट वैल्यूज ले लिए, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री फोर लिया था, अब कहता है मेरा के जो है वो जीरो से फोर तक है, मतलब कि मेरे पास ए वन ए टू ए थ्री ए फोर की वैल्यूज आ रही है, मैं अगर यहाँ पर के वन पुट करती हूँ या मैं के जीरो पुट करती हूँ, चलें के जीरो पुट करती हूँ, तो मेरे पास ए नॉट का आंसर क्या आया था, माइनस वन की पावर में जीरो और जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, तो ए जीरो का आंसर मेरे पास माइनस वन आया था। अगर जीरो से फोर तक है ना के की वैल्यूज, लेस देन क्लोज इंटरवल है, तो मेरे पास अगर मैं के वन पुट करती हूँ तो मेरे पास जो पीछे के वन का आंसर आया है वही मेरे पास इसका आंसर आएगा, वन ओवर के वन का आंसर आपके पास, ए वन का आंसर चेक करना है, ए वन का आंसर आपके पास माइनस वन, देन ए टू का माइनस वन, अब मैं अगर के टू पुट करती हूँ तो ए टू माइनस वन का स्क्वायर अवर टू का फैक्टोरियल, और टू का फैक्टोरियल आपके पास टू ही होगा, तो ए टू का आंसर माइनस वन अवर टू हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर आपके पास वन होगा, फिर ए थ्री आप के थ्री पुट करें, फिर के फोर पुट करें, तो हमने के फोर तक इस वैल्यूज को फाइंड आउट करना था जो कि हम कर चुके हैं, एंड लेट टू कंजक्टर डेट होल्ड्स फॉर ऑल के, और अगर आप के की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये आंसर आएगा, टू प्रूव दिस बाय इंडक्शन, अगर आप इसको इंडक्शन से प्रूव करें, अगर मेरे पास कोई एन टर्म हो जाए और ये उन्होंने इंडक्शन से किया है, अगर मेरे पास एन माइनस आर माइनस वन की पावर में आर अवर आर फैक्टोरियल हो जाए, तब भी मेरे पास ये सीरीज की फॉर्म, मैंने सिंपल यहाँ पर के को एन से रिप्लेस कर लिया, माइनस वन की पावर में एन अवर एन फैक्टोरियल हो जाएगा आपके पास, और फिर आपने क्या करना है कि थस वी शो डैट कि अगर मेरे पास माइनस वन की पावर में के ओवर एन माइनस वन की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल हो सकता है, तो मेरे पास माइनस वन की पावर में एन एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल इस ई एक्स के इक्वल होता है, और अभी हमने एक्सपेंशन असल में सॉल्व किसके की थी, वन प्लस हमने एक्सपेंशन यहाँ पर सॉल्व की है, चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमने एक्सपेंशन को सॉल्व किया है ई एक्स की एक्सपेंशन को, तो अगर हम ई एक्स की एक्सपेंशन को सॉल्व करें और यहाँ हमने ये वाली चीज़ लेकर सारी एग्जांपल को सॉल्व किया था ना, हमने ए एन एक्स एन के साथ ये वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था, अगर ये करें या ये इस वाली वैल्यूज़ को लेकर करें तो दोनों वैल्यूज़ की एक्सपेंशन जो है वो सेम आएगी, तो हम कहेंगे कि एक्स को अगर हम रिप्लेस कर दें तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमारे पास ये फंक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये थी आपकी एग्जाम्पल, आपने इसको अच्छे से चेक कर लेना है, पीछे वाली एग्जाम्पल से रिलेटेड थी, और कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और सिंपल और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एक कि आपके पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है, तो इसमें आपके पास ये एक्स की पावर में माइनस वन जो है वो इक्वल होता है ई की पावर में माइनस एक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो होप सो आपको समझ आएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना एवल सेरम, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अल्लाह हाफिज़।